हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैशन फ्लावर क्रिएशंस। सो गाइस, आज मैं आपको एक साड़ी का रियूज़ करके उसकी पैनल्स कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही स्टाइलिश है, आजकल ट्रेंड में भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये देखिए, मैंने जो मेरी साड़ी का फैब्रिक है वो जॉर्जेट फैब्रिक है, और मैंने इस तरह से इसको जो बॉर्डर है उसको हटाकर उसका बीच वाला पार्ट वो है इस तरह से मैंने फोर फोल्ड में लिया हुआ है, और जो इसकी टोटल लेंथ है वो मैंने 45 इंच रखी है। 45 इंच पे मैंने इसको कट कर लिया है, और जो मैंने रेडी रखनी है वो मैंने 43 इंचेस रखनी है। तो इस तरह से मैंने 45 इंच पे इसको मार्क करके इसको कट कर लिया है। अब मैं इसको इसके पैनल्स कट करूँगी। तो देखिए, मैंने जो इसकी जो नीचे की चौड़ाई है पैनल्स की, वो मैंने इसकी 9 इंच रखी है, 9 इंचेस रखी है, और ऊपर की जो मैंने वो चौड़ाई रखी है वो मैंने 3 इंच रखी है, यानी मैंने 4 इंच रखी है। वैसे एक इंच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के मार्जिन के लिए, और नीचे से 9 इंच रखे हैं। तो जो मैंने ऊपर कलियों की जो चौड़ाई है 3 इंच, वो मैंने अपनी ब्रेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग ली है। तो 36 के अकॉर्डिंग मेरा जो आएगा मेजरमेंट वो मेरा 3 इंच आएगा, क्योंकि अगर हम 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 इंच आएगा, और 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई उसी के अकॉर्डिंग ली है। और इस तरह से मेरा जो वेस्ट साइज है वो मैंने इसको 14.5 इंचेस पे मार्क किया है, यानी 14.5 इंच पे, और 4 इंच मैंने इसको वेस्ट की जो मार्किंग है वहाँ पर मैंने इसको 4 इंच मार्क किया है। इस तरह से मैं इसको एक सीधी लाइन इसको ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से, इस पर मिलाकर 14.5 इंच पर। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी एक सीधी लाइन इस पॉइंट से और ऊपर के पॉइंट तक इस तरह से ड्रॉ कर ली है, और नीचे मैंने 9 इंच रखी है, जो मेरी कलियों की चौड़ाई है नीचे 9 इंच है, और उसको मैंने इस पॉइंट से इस तरह मिला देना, अपने वेस्ट के पॉइंट से मिला देना है। तो मेरी ये कली इस तरह से कट हो जाएगी। और जितनी भी आपको, जैसे मैंने 12 कलियाँ लेनी है इस कुर्ती की, अगर आपको जितनी भी कलियाँ लेनी हो उसको आप अपने ब्रश के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करके, जो भी आपका आएगा वो आपकी कलियों की चौड़ाई बच जाएगी ऊपर वाली। तो देखिए, मैं इस तरह से अपनी जो कलियाँ हैं वो कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने ये 2 कलियाँ कट कर ली हैं, बीच में से मैं इनको कट नहीं करूँगी। अगर आप चाहें तो बीच से कट कर सकते हैं, तो ये 4 कलियाँ बन जाएगी, लेकिन मैं इनको बीच से कट नहीं करूँगी। मुझे बीच में दोनों बड़ी कलियाँ चाहिए, तो मैं इनको ऐसे ही रखूँगी। एक बैक पार्ट के लिए चली जाएगी और एक आगे वाले पार्ट के लिए रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, इनको मैं इस तरह से खोल लेती हूँ। देखिए, मेरी 2 कलियाँ इस तरह से मुझे रेडी मिल जाएगी, और इसी तरह से मैं अपनी सारी कलियाँ इनको रखकर और कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से कुछ मेरी कली की शेप आई है। अब देखिए, बाकी कलियाँ भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी, मार्किंग करके इनको रख कर, और जो हमारी साड़ी का बीच वाला पार्ट है उस पर रख के मैं इसको कट कर लूँगी। अब 4 कलियाँ, अब मुझे टोटल 8 कलियाँ और चाहिए अपनी कुर्ती के लिए। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको कट कर लेना है। हमें इसकी कटिंग थोड़ी ध्यान से करनी है, क्योंकि हमारा जो जॉर्जेट फैब्रिक है वो बहुत फिसलता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसकी कटिंग कर लेनी है। आजकल जॉर्जेट फैब्रिक है वो जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, इसलिए मैंने अपनी साड़ी का यूज़ करके इसकी कुर्ती बनाई है। ये देखिए, मैंने इसको बीच से इस तरह से कट कर लिया है।
तो हमारी टोटल मुझे 4 कलियाँ लेड मिल जाएगी। ये देखिए इस तरह से मैंने 4 कलियाँ कट कर लिया, और इसी तरह से मैं 4 कलियाँ और कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं 4 कलियाँ और कट कर लूँगी, फिर हमारी जो 12 कलियाँ वो बनकर रेडी मिल हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने कट कर लिए कलियाँ, और अब मैं इनको इस तरह से स्टिच कर लूँगी अपनी जो बड़ी कलियाँ हैं उनके साथ में बाकी कलियों को। तो इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है कि हमारी जो सीधी साइड है कली की वो हमारी स्टिच होनी चाहिए, और जो हमारी तिरछी साइड है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो देखिए अगर आपको इस तरह से नहीं पता चले तो आप इसको मार्क कर लेना, जो हमारे ज़्यादा आएगा जिसका साइज वो बाहर की तरफ होगा, और जो जिसकी लेंथ छोटी रहेगी वो हमारी सीधी साइड है। इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे दोनों साइड में, और दो कलियाँ हमारी और अटैच हो जाएगी दोनों तरफ इस तरह से। ये भी हमें इसी तरह से अटैच करनी है, सीधी साइड हमें स्टिच करनी है और तिरछी साइड हमें बाहर की तरफ रखनी है, जिससे हमारी कलियाँ हमारी जो कुर्ती वो लटकेगी नहीं और हमारी फिनिशिंग अच्छे से आएगी कुर्ते की। और हमें एक 45 इंच लंबाई वाला अलग से फैब्रिक कट करना है कुर्ती के साइज़ का, और हमें इसकी जो चौड़ाई है वो हमें 8 इंच रेडी रखनी है, और लंबाई हमें 45 इंच यानी हमारी जो कुर्ती की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग रखनी है। ये पैनल हमारे फिटिंग वाले साइड में लगेंगे, यानी साइड में हमारी जो कुर्ती की साइड है वहाँ लगेंगे दोनों साइड में 4-4 इंच के, 2 आगे और 2 पीछे बैक पार्ट में और फ्रंट वाले पार्ट में। तो टोटल हमें 4 पीस कट करने हैं ये 4 इंच के। इस तरह से हमें 8 इंच को डबल फोल्ड करके इसको कट कर लेना है, और फिर हमें इसको 4 फोल्ड करके एक बार और कट कर लेना है। तो हमें 4-4 इंच के 4 पीस रेडी मिल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये दोनों तरफ इस तरह से स्टिच कर लेने हैं, इस तरह से दोनों साइड में। अब इनको बीच से कट कर लेंगे 4 इंच के, 4 इंच मार्क करके इनको कट कर लेंगे। तो देखिए हमने कट कर लिए हैं, अब दोनों साइड में इनको अटैच कर लेंगे 2 पीछे और 2 आगे वाले पार्ट में इस तरह से। बिल्कुल हल्के हाथ से इनको खींचेंगे, नहीं तो इनमें झोल आ जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से इनकी स्टिचिंग करनी है हमें, क्योंकि जो जो फैब्रिक है ये खींचने से नीचे लटकता है। ये देखिए अब हम इनको आयरन कर लेंगे अपने पूरे पैनल्स को दोनों तरफ स्टिच करके दोनों पार्ट्स को। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने इसकी जो टोटल लेंथ है फैब्रिक की वो 23 इंचेस ली हैं, और जो हमें रेडी रखनी है वो 17 इंच रखनी है। 17 इंच पे मार्क करके हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, या फिर आप ऐसे ही इसको मार्क कर लीजिए 17 इंच पे, और 3 इंच पे हमें इसकी गोलाई के लिए मार्किंग करनी है।
इस तरह से, और एक इंच अंदर की तरफ इसकी मार्किंग करनी है। और फिर हमें इसको जितना भी फैब्रिक यानी 9 इंच हमारा ऊपर की तरफ बचेगा, ये हमारा इसका पफ बन जाएगा, यानी हमें ये पफ स्लीव्स रेडी रख करनी है। तो इस तरह से हमें इस पॉइंट को इससे इस तरह से गोलाई शेप में मिला देना है। और यहाँ से हमें 6 इंच लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और फिर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरह मिला देंगे आर्म होल वाले पॉइंट से। और फिर हम इसकी हल्की सी राउंड में शेप करेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। इससे ये जो हमारी पप स्लीव्स है वो बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होगी। इस तरह से ये हमारी कटिंग का मार्किंग हो चुकी है। जो स्टिचिंग की मार्किंग है वो मैं बाद में करूँगी। इस तरह से हम इसको राउंड में कट कर लेंगे। ये देखिए अब ये हमारी जो है इस तरह से यहाँ पे प्लेट्स आ जाएंगी, तो ये हमारे पफ बन जाएंगे यहाँ पे स्लीव्स के। अब हमें इसकी लाइनिंग कट करनी है अपनी कुर्ती की। तो हमने जो सिंथेटिक फैब्रिक है वो लिया हुआ है, और जो हमें इसकी लेंथ है वो हमने 43 इंच रखी है, यानी 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग में भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, 0.5 इंच। और इसका जो शोल्डर है वो मैंने 7 इंच पे लिया है, और जो आर्म होल है वो मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया है, 1/2 इंच मैंने शोल्डर डाउन पे मार्क किया है। इसी इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका मेज़रमेंट है मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया हुआ है, आपका जो भी हो आप ले सकते हैं। अब 2 इंच पे मैंने इसकी आर्म होल की गोलाई का मार्किंग की है, और 4 इंच मैंने ऊपर से, और इस पॉइंट को मैंने अपने आर्म होल के पॉइंट से इस तरह से मिला देना है। और जो फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल की कटिंग होती है वो मैं बाद में करूँगी स्टिचिंग करते टाइम। अब नीचे मैंने कमर का जो है वो मार्किंग वो 6.5 इंच पर की है, और यहाँ से मेरा जो भी मेजरमेंट है वो मैंने मार्क कर लिया है, यानी 9 इंच पे मैंने मार्क की है जो हमारी कटिंग का मार्किंग है वो। और इस तरह से मैंने इसको इस पॉइंट से मिला लेना है। और नीचे मुझे हिप का जो है वो 14.5 इंच पे मार्क किया है मैंने। इसको मैं इस कमर वाले पॉइंट से इस तरह मिला दूँगी। अब नीचे मुझे ए लाइन शेप में इसको कट कर लेना है, कॉर्नर्स इसको इस तरह से मिला दूंगी। अब मुझे नीचे 3 इंच पे इसकी गोलाई करनी है, 3 इंच पे इसकी गोलाई का निशान इस तरह से लगा लूंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो देखिए हमारी लाइन भी कट हो चुकी है। अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे अपने विभिन्न फैब्रिक के साथ। देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अगर गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। और जो मेरा स्टिचिंग का पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ कटिंग वाला पार्ट डाल रही हूँ, जो गले की डिजाइनिंग है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगी। तो ये देखिए अब मैं इसको अपने मेन फैब्रिक पे अटैच कर लूँगी, जॉर्जेट वाले फैब्रिक पर। अब हम इसको ओपन कर लेंगे और डबल फोल्ड करके दोनों को और ऊपर नीचे रख कर इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। हमें इसकी कटिंग सिर्फ कमर तक ही करनी है,
नीचे हमें रफली इस तरह से ही कट कर लेना है इसको, क्योंकि जो हमारी इसकी जो फिटिंग होती है वो कमर तक ही आती है, बाकी हमें इस तरह से इसको बंद करना होता है। तो ये देखिए अच्छे से इसको सेट करके और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे अपनी लाइनिंग के अकॉर्डिंग। और फिर हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे दोनों को, हम स्टिच कर लेंगे ऊपर से। इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है, जो हमारा हिप की मार्किंग है वहाँ तक इसको छोड़ देना है ले जाकर। अब देखिए हमें इसको अपने मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेना है। इसी तरह से हम जो अपना बैक का पार्ट है उसको भी अटैच कटिंग कर लेंगे लाइनिंग के साथ में। ये देखिए मैंने इसको लाइनिंग के साथ में अटैच कर लिया। इस तरह से मैंने शोल्डर इसके जॉइंट किए हैं और मैंने इसका आर्म होल जॉइंट किया, और जहाँ मेरी फिटिंग होती है ब्रेस्ट की फिटिंग आएगी वहाँ तक हमें इसको ओपन रखना है इस तरह से, तभी हमारी अच्छे से फिटिंग आएगी इसकी। तो ये मेरी जो कटिंग की वीडियो है वो पूरी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।